हेलो दोस्तों, मार्विस रोबोटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आर्डिनो की इस सीरीज में ये हमारे इस चैनल पे अगला वीडियो है। हमें उम्मीद है कि हमारी पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने जाना था आर्डिनो का इतिहास और आर्डिनो है क्या। अगर आप हमारे इस सीरीज के पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, और प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के ऑब्जेक्टिव्स में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्डिनो। तो चलिए जानते हैं आर्डिनो कितने प्रकार के होते हैं। आर्डिनो बोर्ड्स के अपग्रेड में मेन रोल माइक्रो कंट्रोलर चिप का होता है। तो हम उन चिप के बेसिस पे आर्डिनो के बहुत प्रकार जानेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मैक्सिमम आर्डिनो बोर्ड्स में एटमेल 8 बिट AVR माइक्रो कंट्रोलर चिप ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमेगा 8 माइक्रो कंट्रोल चिप के बारे में। ये अब तक का सबसे सस्ता चिप है, जिसमें आप 8KB साइज तक प्रोग्राम कर सकते हैं, और हर बार नए प्रोग्राम को डालते ही पुरानी कोड खुद ही रिप्लेस हो जाती है। इस टाइप के मेमोरी को फ्लैश टाइप मेमोरी कहते हैं, और सारे माइक्रो कंट्रोल चिप में फ्लैश टाइप ही मेमोरी होती है। इसे हम 2.7 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। अब बारी आती है एटमेगा 168 माइक्रो कंट्रोल चिप की। ये एटमेगा 8 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी परफॉर्मेंस पिछली वाली से अच्छी है। इसमें हम 16KB तक प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। ये भी एक फ्लैश टाइप मेमोरी है, और इसमें हम 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। इसकी सीपीयू स्पीड 20 मेगाहर्ज होती है। अब बात करते हैं एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोल चिप के बारे में। ये पिछले वाले का अपग्रेड वर्जन है। इसकी परफॉर्मेंस एटमेगा 168 से थोड़ी ज्यादा है। आप इसमें 32KB तक प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। इसको आप 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी सीपीयू स्पीड 20 मेगाहर्ज होती है। अब जानते हैं एटमेगा 1280 माइक्रो कंट्रोल चिप के बारे में। ये एटमेगा 328 का अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस चिप है। इसमें आप 128KB का प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। ये 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। इसकी सीपीयू स्पीड 16 मेगाहर्ज है। चलिए अब जानते हैं एटमेगा 2560 माइक्रो कंट्रोल चिप के बारे में। इसमें आप 256KB तक प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। इसको भी हम 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। इसकी सीपीयू स्पीड 16 मेगाहर्ज होती है। अब हम देखते हैं एटमेगा 2560 का अपग्रेड वर्जन ATSAM3X80 माइक्रो कंट्रोल चिप, जिसमें हम 512KB तक प्रोग्राम कोड कर सकते हैं, और हम इसे 1.62 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी सीपीयू स्पीड 84 मेगाहर्ज होती है। दोस्तों, हमने जो आपको अभी ये सारे चिप के बारे में बताया, ये सब आर्डिनो बोर्ड में यूज होता है। अब बदलते वक्त के साथ आर्डिनो का डिजाइन भी चेंज होता गया। अब आगे हम आर्डिनो को उसके शेप और साइज के बेसिस पे जानेंगे। उससे पहले आपको ये बता दे कि आर्डिनो यूनो, जो आर्डिनो यूनो रिवीजन 2 और आर्डिनो यूनो रिवीजन 3 में अपग्रेड हुआ, उसे ही हम कॉमनली यूज करते हैं। अब जानते हैं आर्डिनो लिली पैड के बारे में, जो एटमेगा 328 चिप पे बेस्ड होता है और शेप में सर्कल होता है। इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बहुत ही कम रखे गए हैं, जिससे बोर्ड को छोटा से छोटा रखा जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्डिनो माइक्रो के बारे में। ये साइज में 1 फिंगर के लगभग होता है। ये भी एटमेगा 328 चिप पे बेस्ड होता है। और अब जानते हैं आर्डिनो नैनो के बारे में, जो कि एटमेगा 328 और एटमेगा 168 चिप पे बेस्ड होता है। इसका साइज माइक्रो से थोड़ा कम होता है।
तो दोस्तों अब जानेंगे आर्डिनो मिनी के बारे में, जिसका साइज आर्डिनो नैनो का हाफ होता है। ये भी 8 मेगा 328 चिप पे बेस्ड होता है। दोस्तों अब बारी आती है आर्डिनो एटम X1 के बारे में, जो कि 1 इंच से भी कम होता है। इसकी क्लॉक स्पीड 48 मेगाहर्ज है और इसमें हम 256 केबी तक प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों ये आर्डिनो एटम X1 अभी तक का सबसे एडवांस आर्डिनो बोर्ड है। इसकी परफॉर्मेंस बाकियों से काफी अच्छी है। तो आज के ऑब्जेक्टिव में बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी आर्डिनो के बारे में बताएं। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।